आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही धनिया पंजीरी और पंचामृत, जो कि हम कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के भोग के लिए बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। क्योंकि हम प्रसाद के लिए धनिया पंजीरी बना रहे हैं, इसीलिए हम एकदम शुद्ध तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजार से धनिया पाउडर ना लेकर घर पर ही साबुत धनिया से हम पाउडर बनाएंगे। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से साफ कर लिया है धनिया को, और अब हम इस धनिया को एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एकदम महीन पाउडर बनाएंगे। याद रखें, धनिया को आपको दरदरा बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर धनिया का एकदम महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। ये एकदम शुद्ध है, मार्केट से कभी कभी मिलावट आती है, तो हम इसी तरीके से पाउडर बनाकर पंजीरी तैयार करेंगे। तो अभी हम इसे भून लेते हैं। भूनने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो मैं धनिया पंजीरी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, तो पहले उसे भून लेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से मखाने, और मखाने को एकदम धीमी धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। जब मखाने हल्के से भुनकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, साथ ही थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। सभी चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसे पैन के साइड में कर देंगे। मैं ये इस तरीके से कर रही हूँ जिससे आप बिना टाइम वेस्ट के आसानी से बना सकते हैं इसे। तो अब हम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितनी खसखस, और खसखस को भी चलाते हुए भून लेंगे। कोई भी प्रसाद की चीज़ में हम ज़रूर खसखस डालते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, अदरवाइज बिना इसके भी बना सकते हैं। जब खसखस हल्की सी भुन जाएगी तो इस सारे ड्राई फ्रूट्स को हम आपस में मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का कलर चेंज होने तक भुनने देंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुनकर तैयार हो चुके हैं। आप अपने पसंद की कोई भी और मेवा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इन पूरी मेवाओं को एक अलग बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम गैस पर वापस से पैन चढ़ा देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया जिसे हमने पहले पीस कर तैयार किया था। तो पूरे धनिया के पाउडर को हम एकदम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। याद रखें, धनिया जो होता है वो काफ़ी हल्का होता है, तो अगर आप इसे हल्की सी भी तेज आंच पर भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और धनिया अच्छे से भुनेगा नहीं। तो धनिया को अच्छे से भूनने के लिए और अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें 1 चम्मच जितना घी भी डाल देंगे, जिससे इसमें अच्छी खुशबू आए। तो एकदम धीमी धीमी आँच पर इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। धनिया बहुत ही जल्दी भून कर तैयार हो जाता है, तो 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे धनिया का कलर कितना अच्छा आ गया है। तो यहाँ हमारा धनिया भी भून कर तैयार है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इस पूरे धनिया के पाउडर को भी उसी सेम बोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले ड्राई फ्रूट्स को निकाला था। दोनों चीज़ों को बोल में निकालने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स और धनिया तो भुनकर तैयार है। अब हम इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकती हैं। पंजीरी में अच्छे मीठे टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो जितना मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया लिया था, उतना ही सेम रेशियो में हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले लेंगे। दोनों चीज़ों का रेशियो आपको इक्वल रखना है, चाहे आप जितनी भी धनिया पंजीरी तैयार करें। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और अब हम सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे तुलसी के दल। तो यहाँ हमारी धनिया पंजीरी तैयार है, चलते हैं अब पंचामृत बनाने की तरफ। पंचामृत तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी सामग्री देख लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर दही, घी, थोड़ा सा दूध, शहद, और सबसे लास्ट में हम लेंगे पिसी हुई चीनी। अभी सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें पंचामृत तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच जितनी दही, 1/2 छोटा चम्मच जितना घी, 3 से 4 चम्मच जितना दूध, 1 चम्मच जितना शहद, 2 छोटे चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। अभी एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा पंचामृत तैयार हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से मखाने, जो कि टोटली ऑप्शनल है।
साथ ही डालेंगे थोड़े से तुलसी के तल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारा एकदम सरल विधि से पंचामृत बनकर तैयार हो चुका है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी आप भी इस धनिया पंजीरी और पंचामृत के साथ कृष्ण भगवान का भोग जरूर लगाएं। आपको इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट करना मुझे ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।